अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा ही सूझबूझ वाला भाषण दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव वैसे तो बीमार है लेकिन इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। देखिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने पीएम मोदी को किस तरीके से बड़ी ही काम की बातें बताई। अरे सुनो सुनो भाई, अब सुनिए, देखो कहाँ छतों पर उनसे अभी तो नमस्ते कर लें। साथियों, मुझे आज खुशी है कि नौजवानों की तादाद बहुत आए। ये नौजवानों की जो भीड़ है यही भविष्य है समाजवादी पार्टी का। और नौजवानों से कहेंगे समाजवादी पार्टी का संविधान तो पढ़ ही दिया होगा, विचारधारा जो है वो विचारधारा को पढ़िए। लोहिया ट्रस्ट में सबके भाषण हैं, उन भाषणों को आप लीजिए और पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको जनता के बीच बहस करनी है। सब पार्टियां बोलेंगी तो जनता सोचेगी किस पार्टी ने क्या बोला है, तो उस आधार पर वोट डालेंगे। अब ये सब जो मैं चाहता था वो एक तो सफल हो गया, जो नौजवानों की तादाद इतनी बड़ी आई है, इन नौजवानों का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ भविष्य में पार्टी तुम्हारे हाथों में होगी। हम लोग कितने दिन तक यहाँ सब बैठे, कई नेता हैं 10 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 11 साल भी हो सकता है, फिर तो पार्टी आपकी है, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए तैयारी करके कि विचारधारा क्या है, जैसे 7 क्रांतियाँ समाजवादी पार्टी की, 7 क्रांतियाँ, उस क्रांतियों को पढ़ लीजिए। भाषा के क्षेत्र, क्षेत्रीय भाषा, औरत और मर्द, नौजवान और बूढ़े, और कई तरह से 7 ऐसे हैं कि क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। काले गोरे का भेद करते हो, गोरे बहुत सुंदर हैं क्या? गोरे बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, ज़्यादा गोरे हो जाते तो बदसूरत हो जाते हैं। तो समझ गए, जात के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, महिलाओं के आधार पर, इतने 7 क्रांतियाँ हैं। उस 7 क्रांतियों को पढ़ लेने के मान ही समाजवाद है। तो आज हमें खुशी है, मौसम बहुत ठंडा है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आना मामूली बात नहीं है। और जो हम लोग आपसे फिर दोहराना चाहते, मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी पूरी नहीं होगी, साबित हो गया समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। तो पार्टी आपकी है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया के आधार पर आप देखेंगे कितना बदलाव हो रहा है, चाहे अमेरिका हो और चाहे और भी, हमने देशों के नाम तो आप तो जानते ही हैं, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, एक परिवर्तन की लहर है दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर लहर आवाई है और समाजवादी पार्टी शुरू से ही परिवर्तन की राजनीति करती रही है और आज भी कर रहे हैं।
तो जो हम के मैंने बता दिया कि नौजवान आए बहुत बड़ी तादाद में, यही नारे लगाते हैं, यही वोट डलवाते हैं, यही माहौल बनाते हैं समाजवादी पार्टी के नौजवान। तो नौजवानों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि तीन बातें मैंने बताई थी, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीन को मैंने कहा लोकसभा के अंदर, प्रधानमंत्री जी आप देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, शक्तिशाली कहाँ ढूंढ रहे हो, शक्तिशाली तीर कर दीजिए, किसानों को सुविधा दीजिए खाद बीज सिंचाई की, और उनकी लागत खर्चा आता है तो उसके साथ उनको कीमत दो। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में है, इनको रोजगार नौकरी कहीं न कहीं फौज में पीएससी में पुलिस में कहीं न कहीं, और रहे सहे समाजवादी पार्टी में नौजवान है। अब इसी तरह व्यापारी है, ये तीन हैं सुंदर जी जो दुनिया भर के भाषण दिए जाते, देश को शक्तिशाली बनाने वाले तीन लोग हैं। नंबर एक किसान, नंबर दो जवान, नंबर तीन व्यापारी। व्यापारी खरीद करे, लाभ दे किसानों को, और फिर वो बाहर ले जाए, विदेशों में भी भेजे, और देश में भी इधर से उधर अपना व्यापार करें। तो आप समझ लो, नोट कर लो सब लोग, देश को शक्तिशाली बनाने वाले तीन लोग हैं। कौन कौन? किसान, नौजवान और व्यापारी। ये भी आज आपसे कहने आए हैं, और ये भाषण मैंने दिया है लोकसभा के अंदर, तो आपको जानकारी होना चाहिए। लोकसभा के कई बीजेपी के नेताओं ने, और उन्होंने तो किया था, बीजेपी के नेताओं ने बधाई दी कि हमारा दिमाग साफ कर दिया, देश कैसे शक्तिशाली होगा, आपने तीन बातें बता दी, तीन ही के आधार पर देश शक्तिशाली होगा। समझ गए? बताओ नौजवान, पहला नंबर एक किसान है, फिर नौजवान है, और फिर व्यापारी है। किसान पैदावार करेगा, नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पीएससी में जाएगा, कुछ लोग अपने खेती में काम करेंगे, ये नौजवान हैं। और व्यापारी को भी नफरत नहीं करना चाहिए, व्यापारी को लाभ हो तो व्यापारी सब खरीद कर लेगा, किसानों को अब मूल्य दे देगा ज़्यादा, पैदावार करने वालों को मूल्य ज़्यादा देगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, देश शक्तिशाली कैसे हो, तीन बातें हैं जो तुम्हें और अपने आप याद हो गई होंगी, तीनों बातें हो गई। नंबर एक किसान, नंबर दो नौजवान, और नंबर तीन व्यापारी। ये तीनों को सुविधा देनी चाहिए, देश शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे आज इतनी कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज़ टाइम्स 24 को।